भावना जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सर। मैं कृष्ण भगवान को मान, जैन में मेरी शादी हुई है। मैं केरला से बात कर रही हूँ। जी मैं हूँ वैष्णव की बेटी, जैन में शादी हुई है। तो मैं शिव जी को पहले मानती थी, बाद में इधर आई ससुराल में तो भगवान आदिनाथ पार्श्वनाथ को मानने लगी। फिर जी मैं एक बार मेरी मम्मी के घर पे कोरोना के टाइम गई, तो कोरोना के टाइम मेरी मम्मी के घर पे छोटे से ठाकुर जी है, तो मैं मंदिर के सामने हम लोग सब सोते थे। तो एक बार सुबह सुबह सपने में आए तो ठाकुर जी के, सुबह 6 o'clock बजे थे, के ऐसे ही मेरे साथ खेल रहे, जैसे मुझे परेशान कर रहे इतने छोटे से। तो मैं भाग रही हूँ, मेरे पीछे पीछे आ रहे। तो मैंने बोला देख काना तू मुझे परेशान मत कर, मैं राधा जी को बोल दूंगी। कहाँ से इतने छोटे राधा जी आ गए, वो बात भी बोल रही तो मेरे शरीर पूरा कांप रहा है, वो याद आता है तो भी। तो राधा जी भी छुम छुम करके आ गए, वो भी मेरे पीछे पीछे घूमने लगे और मेरे बहुत परेशान करने लगे मुझे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तुम दोनों को छोड़ के जा रही हूँ, मुझे नहीं तुमसे बात करनी है। तो उन्होंने मेरा पल्लू पकड़ लिया, बोले सखी ओ सखी, और मैं एकदम उठ गई और मुझे रोना आने लगा। पता नहीं मैं हंसू या रो। मेरी भाभी को मैंने बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो इधर मंदिर पे जाती हूँ देरासर पे, मुझे ऐसा सपना आया। तब से मैं हवेली में, देरासर छोड़ के हवेली में जाने लगी, ठाकुर जी के पास रोज जाने लगी। भी एक बार ऐसा हुआ कि मेरी भाभी टिफिन बनाती है, तो किसी के घर पे सबका टिफिन मैं देने जाती हूँ क्योंकि मेरे पास स्कूटर है। तो मैं टिफिन देने गई तो एक के घर पे दो अच्छे से ठाकुर जी है, इतने बड़े बड़े। तो बोले भावना जी अंदर आओ ना, आप ठाकुर जी के दर्शन करो। मैंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं। तो मैंने वो दर्शन किया, फिर मैं सोची हाँ ये मेरे पास होते तो मैं भी इसको सजाती। सिर्फ इतना बोल के मन में सोच के निकल गई। तो उसका फोन आया, वो एज वाले है, जिसके पास दो ठाकुर जी है ना वो एज वाले। तो वो बात घूम 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 के मेरे पास आई कि तुम ये दो ठाकुर जी है ले लो ना। मैंने बोला मेरे पास हैंडीकेप बेटी है, हैंडीकेप मीन्स आंख कान बोलना चालना कुछ भी नहीं है मेरी बेटी को, सिर्फ बेटी रहती है उसको खिलाना। मैंने बोला मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं बेटी का करूँ या फिर ठाकुर जी का भी करूँ। तो बोले तेरे सामने से आया है तू मना मत बोल, ले ले। मैंने बोला ठीक है जैसे भगवान की मर्जी, वो खुद ही आना चाहते हैं। तो फिर उसको भी मैं अभी दो रखे घर में ठाकुर जी। तो लेकिन मैं बोलती हूँ भगवान मुझसे इतना नहीं होगा कि जैसे आप सोचो, जो सब लोग कर कर करते टाइम पे खाना टाइम पे सब कुछ, वो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे 16 साल की बेटी है, उसको पूरा दिन देखना, वो रात को नहीं सोती है, रात को देखना, रोती है तो गोदी में लेना, वो मुझसे नहीं हो पाएगा आपका। हाँ मैं सुबह दूध धर देती हूँ, फ्रूट धर देती हूँ, जो घर में स्वीट बनाती हूँ वो धर देती हूँ, वो सब करती हूँ, बातें भी उससे करती हूँ बैठे बैठे कि आप मेरे से ज्यादा आस मत रखना, मुझसे जो होता है वही मैं कर पाऊंगी बस। लेकिन हाँ रहते हैं अच्छे से, कभी कभी लगता है वो मेरे सामने स्माइल भी करते हैं। मैं बोल देती फिर मेरी बेटी है ना, जो एक रेगुलर घर में दो जुड़वा है, अच्छी है एक ऐसी है, तो वो भी उससे बात रूम बंद करते करते, मम्मी मैं भाई से बात करूँ, उसको भाई नहीं है ना, दो बेटियां ही है मेरे। तो बोले मैंने उसको भाई माना है, तो वो रूम में बैठी बैठी वो भी बात करती रहती है बस। मैं खुश हूँ, जिंदगी में बहुत खुश हूँ कि मैं सोचती मेरे मरने से पहले भगवान मेरी बेटी को ले ले, हैंडीकैप है उसको, कि मैं मर जाऊं उससे पहले भगवान उसको ले ले। देखिए, वो तो ईश्वर की इच्छा है, वो तो उनके हाथ में है सब कुछ। लेकिन एक जो बात आपने अभी कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप जिस भी भाव से उनकी सेवा करती हैं और जो आपसे बन पड़ता है, वो बहुत अच्छी बात है। उसमें बिल्कुल शंका मत कीजिएगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। क्योंकि जब ठाकुर जी आपसे इतना प्यार करते हैं कि वो आपको, जब उनकी इच्छा होती है तो आपको आकर के बता देते हैं कि मुझे ये चाहिए। हाँ बोल दे चुप। हाँ ना, तो जब उनकी इच्छा होगी तो वो आपको बता ही देते हैं कि मुझे ये चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आप बहुत अच्छे से सेवा कर रही हैं उनकी, बहुत अच्छे से। जरूरी होता है भगवान से बात करना, सही है सबसे ये जरूरी होता है भगवान से बात करना, उनको मानना कि वो यहाँ पर हैं, हमारे पास हैं, हमारे साथ, उनसे वार्तालाप करना। वो आप कर रही है, उससे वो सबसे अच्छी सेवा है, वो सबसे अच्छा भाव है, सबसे अच्छा प्रेम है। क्योंकि भगवान को उपस्थित जानना, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है वो हर चीज से तृप्त है।
वो क्योंकि भगवान ये कहते हैं मैं इंद्रियहीन हूं, ना मुझे कोई सुख दे सकता ना कोई दुख दे सकता, लेकिन लेकिन ये तुम्हारा भाव है जिस भाव के कारण मैं उसे ग्रहण करता हूँ, तुम्हारे भाव के कारण मैं ग्रहण करता हूँ। और जब उनकी आवश्यकता होती है ना, जब क्योंकि वो लीलाधर भी है ना, लीलाएं करते रहते हैं, तो जब उनकी आवश्यकता होती है ना किसी भक्त के साथ उनको लीला करनी है, तो आकर के बोल देंगे कि मेरे लिए बाजरे की रोटी बना, या कई बार बड़ी मुश्किल चीज भी बोल देंगे जो आपके आसपास भी नहीं होगी, बोल देंगे लेके आ सही। जाओ। नहीं अभी तो सादा सिंपल ही बोला, और मैं बोल भी देती हूँ जो प्रभु मेरे से ज्यादा मत आस रखना, क्योंकि मैं इसके पीछे एक मेरा भाई का बेटा है छोटा मेरे पास है, वो बहुत मस्तीखोर है। क्योंकि क्योंकि वो आपसे ज्यादा जानते हैं आपके बारे में, इसलिए निश्चिंत रहिए आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हाँ ये मेरी बेटी है, देखिए राधे 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 बेटा, राधे राधे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अने एक मेरी ये हैंडीकैप बेटी बोल रही हूँ ना, जी कैमरा थोड़ा ऊपर है लेकिन कोई बात नहीं। हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा बेटा। वो बोल नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती, अच्छा ईश्वर उसे सुरक्षित रखे। और ये भयासुर से नहीं, मैं जिंदा हूं तब पकड़ो भगवान उसको ले ले, रोज वही प्रार्थना कर रही हूँ। और मैं वही बोलती हूँ सबको कि जो भी कोई प्रार्थना मेरे लिए करे वो पहले मेरी बेटी को बोले, मेरे पहले उसको ले ले बस, क्योंकि लड़की ये है तो आज बिल्कुल मैं समझ रहा लड़की हूँ, मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूँ, पर ये सब ईश्वर पर आप छोड़ दीजिए, उनसे जिद भी मत कीजिए, क्योंकि जिद भी भगवान से नहीं करनी चाहिए कभी भक्त को, लेकिन नहीं। ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ईश्वर जो होगा। अब हमें नहीं पता कि वो किस तरह के प्रारब्ध काट रही है, भगवान ने उस आत्मा को इस धरती पर किसके भेजा है, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस बात की खुशी है कि कुछ तो अच्छे कर्म इन्होंने किए थे, जो ऐसे घर में उन्होंने जन्म लिया जहां भगवान की भक्ति हो रही है, जहां भगवान को भोग लगाया जा रहा है, उनकी आस्था है, विश्वास है, तो बहुत अच्छे कर्म इन्होंने किए थे कि ऐसा शरीर पाया प्रारब्धों के कारण, लेकिन फिर भी ऐसे घर में जन्म लिया जहां भक्ति भाव की बातें हो रही है, तो इनका अगला जन्म जो होगा वो बहुत सुखद होगा, हो सकता है ये अंतिम जन्म भी हो, भगवान में विलीन हो जाए वो, तो ये बहुत अच्छी बात है। जितना हो सके ना, जितना भी हो सके ना, आप कोशिश कीजिए कि इनके पास जब भी आप होते हैं, या जब ये इनको थोड़ा सा भगवान में इनका ध्यान लगे किसी भी तरीके से, और बस यही आप कर सकते हैं इनके लिए। नहीं भैया बहुत रोती है ना, तो मैं क्या करती हूँ उसको गोद में लेके राधे श्री राधे श्री राधे, या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरे, है ना वो श्लोक है ना, वो और बोलती रहती हूँ उसको कई कई करके। बार पता है क्या होता है, देखिए भावना जी, हाँ हमें लगता है कि ये अपने प्रारब्ध काट रही है, हमें लगता है कि ये तकलीफ में है। कई हाँ बार भगवान है ना, अपने जो सच्चे भक्त होते हैं ना, जैसे आपको वो आकर के बोल देते हैं, जो बड़े प्यार जिनसे वो करते हैं ना, उनको ऐसी हाँ परीक्षा में डालते हैं, उनके प्रारब्ध खत्म करने के लिए नर रूप में आकर के उनसे अपनी सेवा करवाते हैं। तो नर ही नारायण, नर के भीतर ही नारायण आते हैं, तो वो हो सकता है कि इस बिटिया के जरिए आपसे वो अपनी सेवा करवा रहे हैं, हो सकता है है, ना, लेकिन सब लोग तो वो मुझे बोलते आपके हैं उसको प्रारब्ध खत्म छोड़ कर दे। रहे हैं। नहीं मुझे सब लोग बोलते हैं उसको छोड़ दे, मैंने बोला जिसको मुझे छोड़ना है वो छोड़ो, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ सकती। आप मेरे से कोई मत बोलो, मेरे से कोई मत बात करो, फ्रेंड सर्कल बोलते हैं कि तू छोड़ दे, मैंने बोला मुझे ये बात मत बोलो, आप मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ने की बात मत नहीं करो मुझे। तो बिल्कुल नहीं, आप ये आप यही सोचिए कि इनकी जो मैं सेवा कर रही हूं, अपनी बेटी की जो सेवा कर रही हूं, ये भगवान हाँ नारायण की सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध खत्म कर रहे हैं इनके जरिए सेवा करवा करके। तो कई बार वो ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसी क्योंकि वो लीलाधर है, जिस भक्त से बहुत प्यार करते हैं और उसका एक ही जन्म में उसके प्रारब्ध खत्म करवाना है, तो उसको ऐसी सेवा दे देते हैं जिससे उसके प्रारब्ध खत्म हो जाए। तो आप अपनी बेटी की अच्छा। सेवा यही सोच के कीजिए कि आप नारायण की सेवा कर रहे हैं। नबी में वृंदावन अप्रैल में हम लोग सब, मेरे भाभी भाई ये सब बच्चे, मेरे भाई के 3 भाई है, तीनों भाई के बच्चों को लेके, मेरी दोनों बेटियों को लेके मैं वृंदावन बरसाना ये सब जाके दर्शन इसको भी करवा के आई, मेरी ये बेटी को भी। क्या बात, बहुत अच्छा हाँ किया आपने। अब देखिए उनका, आप देखिए ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, इस तरीके से आप देखिए कि ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां भक्ति होती है, और वृंदावन जाना, एक सही जिसके हाथ पैर सही है, दिमाग सुरक्षित है, सब कुछ सही है, वो भी नहीं जा पाता, हर एक के भाग्य में वृंदावन जाना नहीं है। और जब जाने का मैंने सोचा था, तो मैं पता नहीं सुबह 5 o'clock उठ उठ के भगवान जी के सामने बैठे बैठे रोती ही रहती थी, मेरा
टिकट मत कैंसिल करवाना, मुझे वहां पे एक बार बुलाना। मैंने टिकट निकाली थी वृंदा मथुरा के जाने की, तो मैं सुबह 5 o'clock उठ के बैठ जाती थी सामने और रोना ही रोती थी, हे प्रभु मेरी टिकट मत कैंसिल करवाना, क्योंकि सास वो सब बोलते थे कैसे इसको कैसे लेके जाएगी। मैंने बोला कुछ भी हो जाए मुझे वहां पे जाना है इसको लेके। रोज रोती थी मेरी टिकट तू कैंसिल नहीं करना, लेकिन नहीं किया। मुझे वहां पे पहुंचाया, आराम से दर्शन हुए हमारे, और इतनी खुशी से सब लोगों ने उसको भगवान का फेस भी दिखाया, उसको अद्धर करके भी, रिया को भी, मेरी बेटी। आप ये देखिए, एक्चुअली पता है भावना जी, आप इसको हमेशा इस एंगल से सोचिए कि आप वृंदावन नहीं गए, ये आपको लेके गई, आप इनको लेके नहीं गए, ये आप सही है बात, ठीक है। तो भगवान ने अपनी सेवा इस तरीके से आपको दी है, इस भाव में रहिए, और ये आपको वृंदावन लेके गए। समुद्र शास्त्र में ये लिखा है कि कई जन्म लेने के बाद ऐसा जन्म आता है जब व्यक्ति वृंदावन जा पाता है, जब जीव वृंदावन जा पाता है, कई जन्मों के बाद ऐसा जन्म आता है, बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं ना तब वृंदावन जा पाता है, क्योंकि वृंदावन वो जाता है जिसे ईश्वर खुद बुलाता है। तो मुझे पता नहीं, मैं भगवान के सामने जाते तो रोती ही रहती हूँ, मुझे घर में कुछ भी नहीं, मैं ऐसा नहीं, मुझे दुख भी नहीं है, लेकिन मैं ठाकुर के जी सामने बैठती हूँ तो मैं पता नहीं कि मुझे तू कब दिखेगा, मुझे तेरा एहसास कब होगा, और ज्यादा एहसास कब होगा, वही सोच सोच के मुझे रोना आता है। मैं हो सके तब तक दूर रहती हूँ, जैसे पास में जाऊंगी तो मुझे रोना स्टार्ट हो जाएगा, मैं पूरा दिन नाम भी बोल रही हूँ। आप सिर्फ भाव में रहिए, ईश्वर से कोई डिमांड मत रखिए किसी भी तरह की, आप भाव में रहिए, आनंद में रहिए, वो उनका जब मन करेगा वो आपसे आकर के मिल लेंगे। ठीक है, मैं नीति दीदी से भी बात करने की कोशिश किया, लेकिन हम लोगों का बात नहीं हो रहा पाए, 2-3 बार फोन उठाया लेकिन नहीं मिल पाए, आज किस्मत से आपसे बात हो गई ऊपर वाले की दया से। मेरी भाभी भी आपसे बात करना चाहती है। ठाकुर जी की सेवा करती हूँ घर पे, मैं महाराष्ट्र हूँ, मुंबई से जी, बॉम्बे से, मैं केरला में, हम लोग इधर आए, मेरी ननन है, बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग आए इधर जी। तो मैं सेवा भी लगन से करती हूँ, पहला इतना भाव नहीं था मुझे, लेकिन अभी पूरा भाव आ गया उसमें। तो मैं कभी कभी रात को ना उसको सुलाने के लिए भूल जाती हूँ, तो दिक्कत नहीं ना कोई? मतलब यदि आप उनको, उनसे आपका एक रिश्ता है तो देखिए वो तो ईश्वर हैं, यदि आपका भाव है आप गलती से भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए जिस तरह से उनकी सेवा करते हैं, जिस भाव, जिस रिश्ते को आप उनके साथ रखते हैं ना, उस रिश्ते को निभाइए। यदि आप उनको अपना बच्चा मानते हैं, मित्र मानते हैं, भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं, जो भी रिश्ता है आप उसको निभाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो अपना रिश्ता हमेशा निभाते हैं। बराबर, वो तो है ना, ठीक। तो और कभी जैसे गलती हो जाए तो वो, जब उनको आवश्यकता होगी तो आपको उठा लेंगे सोते हुए को और बोल देंगे कि मुझे सुलाओ। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। हाँ। तो वो अपने आप करवा लेते हैं अपनी सेवा। ओके, ठीक ठीक है, तो ख्याल रखिए, खुश रहिए, हरे कृष्ण, राधे राधे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।